दोस्तों तुसीं अपनी लाइफ च एक बार मैगी जरूर बनाई होवेगी ते तुहानूं पता है कि मैगी बनने विच किन्ना टाइम लगता है ते हुण तुहाडा वोटर कार्ड जिहड़ा उन्ने ही टाइम विच जिन्ने टाइम विच मैगी बनती है मैं तुहानूं सिखावांगा किवें बनाउणा ते किवें डाउनलोड करना ते किवें यूज़ करना है। दोस्तों मैं हाँ तुहाडा दोस्त मनु मोड़ ते ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करदे आपां सीधा मोटिव ते उन्हें यही इन्हां दी वोटर कार्ड वालिआं दी ऑफिशियल वैबसाइट है। सब तो पहले आप गूगल में सर्च कर लेना तो सेम प्रोसैस तुसीं मोबाइल ते भी कर सकते हो। गूगल में आप सर्च की करना NSVP.in ते यह आप इन्हां दी ऑफिशियल वैबसाइट ते क्लिक कर लेने। हुण दोस्तों आप करना की है, सब तो पहले आप नीचे इतने लॉग इन रजिस्टर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जो तुम पहली बार वोटर कार्ड को अपलाई कर रहे हो ऑनलाइन तो आप रजिस्टर एज ए न्यू यूजर से आप क्लिक करना पवेगा। दोस्तों करना कुछ नहीं है, जस्ट अपना इतने मोबाइल नंबर भरना है तो यह सेम कैप्चा जो भी इस बॉक्स में लिखा हुआ है इतने आप फिल कर देंगे तो सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। इस तो बाद करना की है आई डोंट हैव एपिक नंबर से आप टिक मार लगा के तो इस तो बाद जो पासवर्ड आप क्रिएट करना अपना ईमेल एड्रेस फिल करना तो रजिस्टर से क्लिक कर देंगे। इस तो बाद यूजर नेम और पासवर्ड जो क्रिएट हो जाएगा। इस तो बाद जो भी थोड़ा यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट होया आप बैक स्पेस से आवेंगे तो इतने सब तो पहला यूजर नेम या अपना मोबाइल नंबर इतने फिल कर लेंगे तो पासवर्ड फिल कर लेंगे तो सेम कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने बाद हम आप इतने एक ऑप्शन मिल जाता है वोटर पोर्टल, इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो सेम यूजर नेम और पासवर्ड आप इतने फिल करके तो इसका आप सोल्व करके जिम्मे 10+2 लिखा हुआ तो 12 लिख के इस तो बाद आप लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। हूँ दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता करना कि आप नवा वोटर कार्ड अप्लाई करना ना तो आप न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। बट न्यू वोटर कार्ड किमें अप्लाई करना तो मैं इस वीडियो में नहीं दस सकता क्योंकि यह मैं वीडियो ऑलरेडी पहले बनाई हुई है प्राइवेट है तो शो हो रही है उत्थे जाके चैक कर सकते हो उस वीडियो। उस वीडियो में फॉर्म को फिल करने का पूरा स्टैप बाय स्टैप समझाया हुआ है। जिवें ही तुसीं उस फॉर्म को फिल कर दिंदे हो उस तो बाद तुहाडे कोल एक रैफरेंस ID क्रिएट हो जाती है तो उसनों तुसीं सेव रखना है और उस रैफरेंस ID नूं आपां कॉपी कर लेंगे। एक बार उस रैफरेंस ID नूं आपां कॉपी करन तो बाद आपां फिर इत्थे लॉगिन करनी है ही तो इन्हां दे ऑप्शनल पेज ते जिहड़ा होम पेज है इस ते आपां आ जावांगे ते नीचे आपां नूं डाउनलोड EPIC दा ऑप्शन मिल जांदा, इस ते आपां क्लिक कर लेंगे एंड क्लिक करन तो बाद रैफरेंस ID आप सब तो पहले इतने फ्रॉम रैफरेंस नंबर इतने आप कॉपी कर देना जिहड़ा भी अपना रैफरेंस नंबर है तो इतने आप सिलेक्ट कर लेंगे अपनी स्टेट पंजाब। इस तो बाद सर्च पर आप क्लिक कर देंगे। इस तो बाद जो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको सेंड OTP का ऑप्शन आ जाता है, इस तो हूँ आप सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे तो 6 अक्षर का एक OTP अपने को आएगा, वह OTP जिहड़ा आप इतने एंटर करके वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे एंड यह सेम कैप्चा इतने फिल करके डाउनलोड EPIC पर आप क्लिक कर लेंगे। इस तो बाद थोड़ा वोटर कार्ड ईजीली डाउनलोड हो जाएगा। हुण करना कि आप उसका प्रिंट कढ़वाना है और उसनों लेमीनेशन करवा के जिते मर्जी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इन्ना जहा प्रोसैस जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है प्लीज़ चैनल में सपोर्ट करो, थोड़े सपोर्ट की बहुत जरूरत है एंड सबसक्राइब तो वीडियो में शेयर जरूर कर लिया करो।